सभी बच्चों में कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है, जरूरत होती है उसे पहचानने की। बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों की छुपी प्रतिभा को सामने लाकर उनका प्रोत्साहन करते हैं। इस काम को करने में एशियन विवेकानंद अस्पताल ने योगदान करने की पहल की है। इस अस्पताल ने विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज प्रांगण में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 3 वर्गों में बच्चों ने भाग लिया। प्रतिभागियों की संख्या 800 से ऊपर रही। बच्चों के साथ साथ माता पिता भी खासे उत्साहित दिख रहे थे। प्रतियोगिता के बाद नन्हे बच्चों को जादू का शो दिखाया गया। एशियन विवेकानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की प्रतिभा को बाहर लाने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आज एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का पर्पस ये था कि जो बच्चे हैं उसमें करने का पर्पस ये था हमारा कि बच्चों की प्रतिभा को ऊपर लाया जाए। जो बच्चे जिसमें जितना टैलेंट है उसको उजागर हो वो और दुनिया के सामने आए। इसमें हमने 3 कैटेगरी रखी हैं। 5 से 8 ग्रुप का एक कंपटीशन था, 8 से लेकर 12 तक एक था और 12 से लेकर 16 तक का तीसरा ग्रुप था। इसमें 3 प्राइजेस हमने रखे हुए हैं। जो फर्स्ट प्राइज है वो 5000 रुपीज़ का है, सेकंड प्राइज 3000 का है और थर्ड प्राइज हमारा 1500 का है। उसमें 3 फिर कंसोलिडेटेड प्राइजेज हैं हर कैटेगरी के लिए। तो मेन पर्पस हमारा बच्चों की प्रतिभा को ऊपर लाना है, उजागर करना है। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है सर प्राइस का? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अभी जस्ट खत्म हुआ है। 10 से 12 का टाइम था इसको ऑर्गेनाइज करने का, अभी जस्ट खत्म किया है, फिनिश किया है बच्चों ने। अभी शीट्स उनसे ली जाएंगी, फिर हमने कुछ 8 टीचर्स हैं उनको बुलाया हुआ है। वो 8 टीचर्स जो हैं उनमें से सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी वाइज, तो जो भी बेस्ट होगा उसमें 1st, 2nd, 3rd और 3 कंसोलिडेटेड प्राइस हर कैटेगरी में वो निकालेंगे। फिर वो स्टेज पे 1 बजे के करीब अनाउंस होगा।